हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एफआई सिद्दीकी। आप देख रहे हो वेल्डिंग ऑल टिप्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं फ्लैश बट वेल्डिंग के बारे में, यानी कि रजिस्टेंट वेल्डिंग का जो एक प्रकार होता है फ्लैश बट वेल्डिंग, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। यहां पर मैंने ड्राइंग बोर्ड में फ्लैश बट वेल्डिंग का डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम के आधार से फ्लैश बट वेल्डिंग मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। फ्लैश बट वेल्डिंग के जो मशीन के पार्ट्स होते हैं उसमें जो सबसे पहले जो पार्ट्स होता है उसे, जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो, इसे प्राइमरी कोयल कहा जाता है। और प्राइमरी कोयल के जो कनेक्शनों को मेन सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। मेन सप्लाई जो होती है वो एसी पावर सोर्स होता है, और प्राइमरी कोयल के सामने वाली कोयल को सेकेंडरी कोयल कहा जाता है। यहां पर सेकेंडरी कोयल है। सेकेंडरी कोयल के दोनों कनेक्शनों को क्लैंपों के साथ या जॉब के साथ जोड़ा जाता है, और इसे वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है, जैसे कि आप ड्राइंग में यहां देख सकते हो। और फ्लैश बट वेल्डिंग में एक जो क्लैंप होता है उसे मूवेबल, जैसे कि आप यहां ड्राइंग में देख सकते हो, इसे मूवेबल क्लैंप कहा जाता है। यानी कि ये क्लैंप आगे और पीछे की ओर मूव करता है, इसलिए इसे मूवेबल क्लैंप कहा जाता है। और दूसरा जो क्लैंप होता है उसे स्टेशनरी क्लैंप, यानी कि ये क्लैंप फिक्स होता है, ये मूवेबल नहीं करता है, इसलिए इसे स्टेशनरी क्लैंप कहा जाता है। और ये दोनों जो पीस मैंने बताए हुए हैं उसे वर्क पीस कहा जाता है। ये फ्लैश बट वेल्डिंग के मुख्य जो पार्ट्स होते हैं वो थे। फ्लैश बट वेल्डिंग में जोड़ने वाली दो प्लेटों या जॉब या मेटल या वर्क पीस को मजबूती से क्लैंप के द्वारा, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, क्लैंप के द्वारा बट जॉइंट में पकड़ाया जाता है। और फ्लैश बट वेल्डिंग में क्लैंप के द्वारा करंट वर्क पीस या जोड़ने वाली धातु पर प्रवाहित होता है। दो वर्क पीस के सिरों को, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, इसे सिरे कहते हैं। दो वर्क पीस के सिरे को परस्पर नजदीक तथा दूर, यानी के दो वर्क पीस को आगे और पीछे की ओर ले जाया जाता है, जिसमें दोनों वर्क पीस के बीच में फ्लैश, जैसे कि मैंने यहां रेड कलर से बनाया हुआ है, उसे फ्लैश कहा जाता है। दोनों वर्क पीस के बीच में फ्लैश उत्पन्न होती है, और फ्लैश को कम गैप में बनाया जाता है। ये फ्लैश होती है उसे कम गैप में बनाया जाता है, यानी कि फ्लैश बनाने के लिए पीसों को थोड़ा आगे और पीछे की ओर करके फ्लैश बनाई जाती है, और फ्लैश को कम गैप में बनाया जाता है, जिसमें दोनों वर्क पीस के सिरे पिघलने लगते हैं। पिघलने के बाद करंट को काट दिया जाता है, तब मूवेबल क्लैंप, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, ये मूवेबल क्लैंप है। मूवेबल क्लैंप के द्वारा प्रेशर यानी के दाब दिया जाता है, इस तरह जॉइंट बनाए जाते हैं, यानी कि इस तरह वर्क पीस को जोड़ा जाता है। फ्लैश बट वेल्डिंग के द्वारा प्लेटों को बार, रोड, ट्यूब और बाहर निकले सेक्शनों को बट जॉइंट में वेल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। फ्लैश बट वेल्डिंग पद्धति से कास्ट आयरन, लेड और जिंक एलॉय को वेल्ड नहीं कर सकते हैं।
हैं। फ्लैश बट वेल्डिंग में दोनों वर्क पीस या वेल्डिंग होने वाले जॉब का अलाइनमेंट का सेटिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर दोनों पीसों का अलाइनमेंट सेटिंग सही तरीके से ना किया जाए तो जॉइंट में ओवरलैपिंग हो जाता है और जॉइंट भी मजबूत नहीं बनता है। यानी के फ्लैश बट वेल्डिंग में दोनों पीसों का जो अलाइनमेंट का जो सेटिंग होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी के यहां पर सही तरीके से अलाइनमेंट का सेटिंग नहीं किया गया तो जॉब ओवरलैपिंग हो सकता है। तथा हीट भी यानी के गर्मी भी दोनों पीसों में सही तरीके से प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए दोनों पीसों का या वर्क पीसों का अलाइनमेंट सेटिंग बहुत आवश्यक होता है। और फ्लैश बट वेल्डिंग में वेल्ड हो जाने के बाद जॉइंट के ऊपर, जैसे कि यहां आप ड्राइंग में देख सकते हो, जॉइंट के ऊपर उभार यानी के ऊपर फूटा हुआ बनता है, जैसे कि यहां ड्राइंग में देख सकते हो। फ्लैश बट वेल्डिंग में वेल्ड हो जाने के बाद जॉइंट में उभार बनता है यानी के ऊपर उठा हुआ बनता है। फ्लैश बट वेल्डिंग से बार, प्लेट, रोड, ट्यूब वगैरह को 250 mm² से 100,000 mm² के क्रॉस सेक्शन एरिया तक जॉब को वेल्डिंग किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको रेजिस्टेंट वेल्डिंग मशीन के बारे में बता चुका हूं और स्पॉट वेल्डिंग के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं और स्पॉट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं और सीम वेल्डिंग के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं और प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूं। और अभी मैंने आपको फ्लैश बट वेल्डिंग के बारे में बताया और इसके बाद यानी के नेक्स्ट वीडियो में बट या अपसेट वेल्डिंग के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर मेरी चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताना।